हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत हो गया आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज का मैच जिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ECS T10 बुल्गारिया 2024 का मैच नंबर 42 जो कि दोस्तों खेला जाने वाला है BAS वर्सेस SFS के बीच में। मुकाबला स्टार्ट होगा 6 अगस्त 11 बजे दोस्तों, जो है फिलहाल दोपहर के टाइम खेला जाने वाला है नेशनल स्पोर्ट एकेडमी वैसिल यानी कि दोस्तों बुल्गारिया के पिच पर, जहां पे आपने देखा कि लगातार ECS T10 बुल्गारिया के सभी मैचेस दोस्तों खेले जा रहे हैं। तो आज के इस मैच में हमारी मेगा ग्रैंड लीग या दोस्तों स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हिटफिट की टीम दोस्तों किस हिसाब से बनाएंगे जिससे कि आपके ओपोनेंट में जो भी बंदा आए आप उसको हरा सको और अच्छा खासा दोस्तों प्रॉफिट कर सको। तो बिल्कुल दोस्तों आज के इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम बनाकर जीतना बहुत आसान है, बट दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे आपको ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बताऊंगा जो कि आज के इस मैच में काफी ज्यादा दोस्तों वर्किंग रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ साथ यहाँ पे पिच रिपोर्ट बताने वाला हूँ, प्लेयर का स्टैट्स, ट्रम्प प्लेयर दोस्तों जो कि आपको BAS की तरफ से कितने देखने को मिल सकते हैं इस मैच में, या दोस्तों SFS की तरफ से दोस्तों कितने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपको देखने को मिल सकते हैं इस मैच में, एंड दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा दोस्तों हेल्पफुल रहने वाले। दोस्तों अगर आप वाकई इस मैच में खेलना चाहते हो तो यही कहूँ कि यार वीडियो को कंप्लीट आप लोग वॉच करिए जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। एंड दोस्तों लास्ट टाइम के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, जहां पे आपको टॉस के बाद वाली फाइनल मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम और 3 से 4 मेंबर यानी कि हेड टू हेड वाली टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी जाती है दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल लगातार अपडेट के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, जिस वेन्यू पर ये मैच खेला जाने वाला है नेशनल स्पोर्ट एकेडमी वैसिल, ठीक है गाइस। तो यहां पे टोटल अभी तक 2024 जो कि ECS T10 बुल्गारिया के मैचेस खेले गए हैं टोटल 41, जिसमें जो टीम अभी तक बैटिंग यहां पे करी गई उसने भाई 15 मैचेस जीते हैं, और चेस करने वाली टीम ने दोस्तों यहां पे 26 मुकाबले जीते हुए। तो कहने का दोस्तों यहां पे चेस करने वाली टीम को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें पिच के बारे में तो पिच दोस्तों कहीं कहीं बैलेंसड रहती है, और जो यहाँ पे एवरेज स्कोर आप मान के जा सकते हो दोस्तों 115 से 120 का, बट दोस्तों कहीं कहीं ये T10 मैच है तो बैटिंग लाइनअप भी डिपेंड करेगी, ठीक है, प्लेइंग लाइन दोस्तों डिपेंड करेगा। तो फिर दोस्तों कहीं कहीं आगे देखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो हमारा एवरेज स्कोर होगा लास्ट टाइम मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे रिसेंट फॉर्म के बारे में जो कि दोनों टीम का रहने वाला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे BAS की बात करें तो इस टीम ने रिसेंट जो 5 मुकाबले खेले गए तो उसमें से 3 विन करे और 2 लॉस है। अगेन अगर हम बात करें SFS की तो इस टीम के 5 मुकाबले अगर आप देखोगे तो जिनमें से 3 विन है और 2 लॉस, दोनों ही टीमें काफी बढ़िया खेल करके आ रही है, बट कहने के अगर लास्ट के 3 मैचेस देखोगे तो वो टीम का कहने के पलना दोस्तों भारी है, और ये टीम कहने के 3 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 1 मैच विन करके आ रही है। एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ेंगे वीडियो में, एंड बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबले की, तो अभी तक दोनों टीम के बीच में जो है एक ही मुकाबला खेला गया है जिसमें कि दोस्तों SFS टीम ने ही मैच को जीता हुआ है आमने सामने दोस्तों, जो इन दोनों टीमों का मैच हुआ था। भाई हम बात करते हैं BAS टीम जो रहने वाली है, इस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, और कौन कौन से खिलाड़ी को हमें अपने फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग या दोस्तों हेड टू हेड की टीम में रखना होगा, किसको कैप्टन वाइज कैप्टन करके चलते हैं, और BAS की तरफ से दोस्तों जो इस टीम की तरफ से हमें कितने खिलाड़ी अपने फैंटेसी टीम में रखने होंगे। ओपनिंग दोस्तों जो यहाँ पे होती है ब्रेट हेसेट जो कि लास्ट मैच में एंड मुकुल कद्यान के द्वारा, ठीक है, हेसेट की बात करेंगे तो लास्ट मैच आपने देखा यहाँ पे 29 रन, उससे पहले बॉलिंग के साथ दोस्तों 2 रन भी है 2 विकेटें भी हैं, एंड फिलहाल 2 मैचेस लगातार इन्होंने खेला नहीं था, 2 मैचेस लास्ट के खेले और दोनों मैच दोस्तों काफी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया इस खिलाड़ी ने, तो टीम में आप ट्राई कर लीजिएगा, बट दोस्तों CVC आपको करना नहीं, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई, टीम में रख लीजिएगा, बॉलिंग नहीं दोस्तों तो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग आपको परफॉर्मेंस करके देने वाला है। अगर हम बात करें मुकुल कद्यान की दोस्तों, तो कहने के ये खिलाड़ी अगर आप देखोगे लास्ट के 3 मैचेस में लगातार बॉलिंग कर रहा है, लास्ट मैच में 39 रन +1 विकेट, उससे पहले 0 + 1 विकेट, 45 + 0 विकेट, और यहां पर दोस्तों 18 रन की पारी है। अब इस खिलाड़ी को आप CVC भी ट्राई करोगे गाइस तो कहने के आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैटिंग भी कर रहा है दोस्तों, ओपनिंग भी कर रहा है, और खास करके आप देखोगे तो फिलहाल ये विकेट भी लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इस खिलाड़ी को ट्राई करके चल सकते हो। अक्षय हरि कुमार की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी देखिए बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करते हैं और खास करके बॉलिंग से तो भाई लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4 + 3 विकेट, ठीक है, 1 + 1 विकेट, 11 + 0, 20 + 0, लास्ट में दोस्तों बैटिंग नहीं मिली, हालांकि आप देख सकते हो 4 विकेट हैं,
ठीक है। तो ये खिलाड़ी यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन की श्रेणी में आएगा। चाहे तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे अक्षय हरी कुमार और मुकुल कद्यान का दोस्तों सीबीसी का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, आपके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। एंड अगेन यहाँ पे चौथे नंबर खिलाड़ी दोस्तों जेरिन पंडवा, जो कि रिसेंट अगर आप देखोगे इस खिलाड़ी ने भी विकेट चटकाई है, 10 रन प्लस 3 विकेट, उससे पहले 18 प्लस 0, 0 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 0 गेंस। देखिए बॉलिंग कर रहा है तो बिल्कुल आपको अपनी फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में इस खिलाड़ी को भी रखना होगा। तो गाइस अभी तक जो आपके जो चार मेन प्लेयर रहने वाले यहां तक, तो आपको अपनी फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग टीम में रख करके चलना होगा। नितिन सुनील की बात करेंगे तो राइट बैट्समैन है, लास्ट मैच दोस्तों बैटिंग में यहां पे 28, यहां पे 29, यहां पे 6, 12, 29, 69 खिलाड़ी दोस्तों बढ़िया है। अगर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर आता है तो आप अपने टीम में रखिएगा। अगर दोस्तों ये टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर भी रिस्क ले सकते हो कि बैटिंग आ जाएगी। अगर चेस करती है टीम यही दोस्तों बैटिंग लेने पर रहता है तो उस कंडीशन में कहने के आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद ये रहेगी कि यहां तक बैटिंग मुश्किल होगी दोस्तों, क्योंकि टॉप फोर तो हमने रख लिया अपने फैंटेसी टीम में, 10 ओवर का मैच होता तो यहां तक दोस्तों बैटिंग फिर नहीं आएगी और फिर दोस्तों बॉलिंग भी नहीं कर रहा है खिलाड़ी तो फिर कहने के फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एल्बिन जेकोब, जो कि दोस्तों अगर रिसेंट देखोगे तो लगातार अच्छी विकेट लेकर के आ रहा है, लास्ट मैच 1 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 1 विकेट 2 विकेट 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 गाइस, खिलाड़ी टीम में रखने लायक होगा। दोनों इनिंग्स से आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाले फिर इरशाद बशीर, जो कि लास्ट में दोस्तों ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग, उससे पहले 1 विकेट, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे दोस्तों बैटिंग नहीं, यहाँ पे नहीं बैटिंग नहीं बॉलिंग, तो बिल्कुल रिस्की खिलाड़ी गाइस। अगर आप देखोगे चार ही मैचेस उसने खेले हैं जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें निकाली हैं, और दोस्तों लास्ट टाइम आपको बता दूंगा कि इसको बॉलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि इसको चांस बनेगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भाई हैसेट ने बॉलिंग कराई थी, 2 विकेटें मिल गई थी, बट इस खिलाड़ी को भी लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली। अगर बॉलिंग किसी को देना होगा इस तो कहने के यहाँ पे हैसेट को दे सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगले खिलाड़ी रहने वाले दोस्तों जो रहने वाले दीपक, जो कि भंडारी राइट बैट्समैन लेफ्ट मीडियम पेसर है। अब इनका भी दोस्तों वही हालत, 4 मैच से लगातार कोई मैच में जो है ना ही बैटिंग मिली दोस्तों ना ही बॉलिंग। ठीक है, 2 मैच उससे पहले वाले 4 मैच में विकेट मिली है, बॉलिंग मिली है, 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, दोस्तों बॉलिंग बैटिंग मिल नहीं रही है, तो रिस्की खिलाड़ी है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो कम सिलेक्शन वाले खिलाड़ी रहने वाले ये दो, ठीक है, तो इनके बारे में लास्ट टाइम, ठीक है, टॉस के बाद अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है गाइस या फिर कहीं के यहाँ से बॉलर्स कम होते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको लास्ट टाइम का अपडेट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। हितेश उचल की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम है, इनका भी दोस्तों वही हाल है, 4 मैच खेले हैं जिसमें कि अभी तक ना ही बैटिंग मिली ना ही दोस्तों बॉलिंग मिली है। अगले खिलाड़ी यहाँ पर रहने वाले डेनियल मिचेल, जो कि राइट बैट्समैन और ब्रेक स्पिन बॉलर हैं दोस्तों, इनका भी वही हाल है, लास्ट मैच इन्होंने प्लेइंग में शामिल में हिस्सा लिया बट दोस्तों ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, उससे पहले 2 मैच लगातार फ्लॉप थे। ठीक है, मतलब बैट खेल नहीं रहे थे गाइस। एंड यहाँ पे गोडविन यशुदास की बात करेंगे तो फिर इनका दोस्तों वही हाल है। तो गाइस कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फिलहाल जो है गाइस 4 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कम रिस्क लीजिएगा, ये दोस्तों 5वां प्लेयर भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, ये 5 प्लेयर जो है ऐसे हैं कि कम सिलेक्शन वाले खिलाड़ी होंगे, हालांकि चांस भी इनका बन नहीं रहा बॉलिंग बैटिंग का, तो ये रिस्की रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो फिर मैंने आपको बताया नितिन सुनील कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करते हुए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, या तो बैटिंग ऑर्डर ऊपर आता है तो फिर चेस करते हुए रहेंगे। लास्ट टाइम अपडेट कहाँ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एल्गिन जो जॉकेब है इनको तो आपको टीम में ट्राई करके चलना होगा। तो भाई ये 6 खिलाड़ी जो है इसमें से कहीं ना कहीं आपको जो है दोस्तों फिलहाल जो है कम से कम यहाँ पे 5 तो रखने, ठीक है, टॉप 4 रख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जैकअप को रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक टीम हमारी क्लियर हो गई जो कि फिलहाल जो रहने वाली थी ये वाली गई बीएस टीम, तो इस टीम की तरफ से कितने खिलाड़ी रखने, कौन कौन से खिलाड़ी को सीबीसी कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी टीम जो रहने वाली SFS। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होगी मैक जोनस और फिलहाल जो है प्रकाश मिश्रा, ये दोनों ओपन करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे देखिए मैक जोनस की बात करेंगे तो फिर राइट बैट्समैन ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स भी हैं, रिसेंट इनका जो परफॉर्मेंस है गाइस बहुत कमाल करा है, बट लास्ट मैच में इन्होंने जो है बॉलिंग नहीं कराई, उससे पहले 62 प्लस 1 विकेट, 51 प्लस 0 विकेट, 63 प्लस 0 विकेट गाइस, काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिलती है। तो भाई यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो इनके साथ प्रकाश मिश्रा ओपन करते हैं राइट बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेसर हैं, लास्ट मैच 0 प्लस 0 विकेट 0, यहाँ पे बॉलिंग नहीं, 26 प्लस 3 विकेट, 7 प्लस 0 1 विकेट गाइस, यहाँ पे 1 रन, ठीक है, तो बॉलिंग कंफर्म नहीं है। बट दोस्तों ये खिलाड़ी भी कहीं कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा रह चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसने पॉइंट भी प्रोवाइड करी 26 प्लस 3 विकेट, तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस आना भाई कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इसने रिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो टीम में रखिएगा, सीबीसी का थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होगा बट ट्राई भी आप कर सकते हो। तीसरे नंबर दोस्तों खिलाड़ी है रोहित धीमन, जो कि लास्ट मैच 8 प्लस 0 1 विकेट, 19 प्लस 2 विकेट 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने खेला नहीं, हालांकि मुझे लग रहा है कि सामने टीम भी कहीं कंसिस्टेंट है गाइस, वहाँ से भी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो भाई विकेट गिर सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी तक बैटिंग आ जाएंगी और एक इंपॉर्टेंट पिक होगा आपके लिए। दोस्तों बैटिंग नहीं मिली, हालांकि बॉलिंग से इसने परफॉर्मेंस दिया है,
तो खिलाड़ी टीम में रखने लायक होगा। एंड अगेन यहाँ पे गगनदीप सिंह की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फास्ट है, लास्ट मैच 12+0 3 विकेट एंड यहाँ पे 0 विकेट 1 विकेट यहाँ दोस्तों फिलहाल खेले नहीं, ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, उससे पहले यहाँ पे 1 विकेट। इस खिलाड़ी बढ़िया है, इस खिलाड़ी को भी आप ट्राई कर सकते हो अपने फैंटेसी टीम में गाइस। अब वहाँ से हमने 5 प्लेयर रखे थे दोस्तों और कहीं ना कहीं 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, तो टोटली दोस्तों हमारे 9 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो कि आपको मिलते हैं जैक, जो कि वेट मोच, जो कि दोस्तों रिसेंट 16 बॉलिंग नहीं, यहाँ पे 22+0 10+0 22+0 गाइस। खिलाड़ी ये भी कहीं ना कहीं यूनिक है, ठीक है। तो इस खिलाड़ी के ऊपर भी आप जो है रिस्क ले सकते हो फैंटेसी टीम में रखने का, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग कराने के चांस हैं, क्योंकि भाई 3 मैच लगातार इसने बॉलिंग कराई है, लास्ट मैच में ओनली बैटिंग इसने करी है, ठीक है। तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं हमारा जो होगा 5वां खिलाड़ी, जो कि SFS टीम की तरफ से, क्योंकि इस टीम ने भाई हेड टू हेड का मुकाबला भी जीता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं सूरज नेगी, जो कि फिलहाल लास्ट मैच बैटिंग है, बॉलिंग नहीं मिली, इसके बाद यहाँ पे बैटिंग नहीं दोस्तों, यहाँ पे 11 रन, तो भाई ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगले खिलाड़ी है साहिल कुमार, जो दोस्तों 56+1 विकेट है, बैटिंग ऊपर भी कर सकते हैं, ये 0 विकेट 1 विकेट दोस्तों 2 विकेट 0 यहाँ पे 1। ये खिलाड़ी कहने की यहाँ पे फैंटेसी टीम में रखने लायक होगा दोस्तों, जो कि हमारा ये 6वां प्लेयर होगा SFS टीम की तरफ से दोस्तों, ठीक है। 5 उस टीम से 6 इस टीम से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए जो कि रमन कुमार मिल रहे हैं, इनका रिसेंट फॉर्म 5+0, यहाँ पे बैटिंग नहीं, यहाँ पे बैटिंग नहीं, 0 और यहाँ पे 1 गेस। लो सिलेक्शन खिलाड़ियों का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, दोस्तों बॉलिंग कर रहा है। एंड अगेन यहाँ पे अर्जुन धीमन, जो कि दोस्तों रिसेंट आप देख सकते हो 3 मैच जो भाई इसके रखे हमने, तो 1 मैच लास्ट वाला खेला, ना ही बैटिंग में दोस्तों ना ही बॉलिंग, उससे पहले 2 मैच इसने खेला नहीं, तो भाई रिस्क की खिलाड़ी है, ड्रॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पे समीर कुमार, जो कि रिसेंट आप देख सकते हो 1 मैच है जिसमें कि बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली, ड्रॉप करने लायक खिलाड़ियों का। प्रशांत वर्मा, जो कि दोस्तों राइट बैट्समैन, राइट आर्म स्पिन बॉलर्स है, लास्ट के मैच इसने खेला भाई, बैटिंग ना ही बॉलिंग, कुछ भी दोस्तों मिला नहीं, ड्रॉप करने लायक खिलाड़ियों का। अब दोस्तों SFS की तरफ से मैंने बताया कि उन कौन से खिलाड़ी को रखना होगा, बाकी दोस्तों फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए मैक जोनस, ठीक है, प्रकाश मिश्रा, रोहित धीमन एंड यहाँ पे गगनदीप सिंह, अगेन यहाँ पर दोस्तों जो कि आपको रख लेना जैक को भी, ठीक है। इस तो कहने के आपके 5 प्लेयर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी दोस्तों 6वां प्लेयर यहाँ पे आप साहिल कुमार को रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बॉलिंग कर रहा है भाई, विकेट भी चटका रहा लगातार, ठीक है। एंड ये 6 खिलाड़ी होंगे, बाकी गई कोई अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता है लास्ट टाइम टॉस के बाद, तो उसका अपडेट आपको आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। ओके गई, तो फिलहाल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब दोस्तों अभी के लिए जो हमारी 2 फैंटेसी टीम रहने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो CVC का कॉम्बिनेशन दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे लास्ट टाइम टॉस के बाद चेंजमेंट होगा गाइस, इसलिए मैं कहूँगा टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आ जाइए। विकेट कीपिंग जेकब और यहाँ पे सुनील दुनबार और दोस्तों हरि कुमार, ठीक है, जो कि हमारे बैटिंग सेक्शन से रहेंगे, CVC भी ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग भी कर रहा है लगातार, बैटिंग भी टॉप ऑर्डर पे है। और यहाँ पे दोस्तों मिश्रा रहेंगे, यूसुफ विजय जो कि आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पे गाइस ऑलराउंडर सेक्शन, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन सिर्फ हम एक को रखा हमने, दूसरी टीम के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे बैटिंग सेक्शन दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन एंड यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन, ठीक है गाइस। तो ये हमारी 2 टीमों का कॉम्बिनेशन है, आप लोग देख लीजिए। बाकी गाइस अभी यहाँ पे चेंजमेंट होना बाकी है, जो लो सिलेक्शन खिलाड़ी मैंने आपको बताया गाइस, जो कि थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग बट कर रहे हैं, विकेट लेस लग गए हैं दोस्तों, बट कहीं ना कहीं उनका चांस बनेगा टॉस के बाद, ठीक है। क्या दोस्तों ये T10 मैच है, यहाँ पे क्या होता है टॉस के बाद दोस्तों क्या है कि बॉलर्स को भी ये टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करवाते हैं, ओपनिंग करवाते हैं, तो उस कंडीशन के लिए आपको फाइनल अपडेट देखना बहुत जरूरी होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस मैच में आप फैंटेसी टीम बनाते हो गाइस, तो बिल्कुल फ्री टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। हेड टू हेड स्मॉल लीग और मेगा ग्रैंड लीग की दोस्तों आपको टीम जो है टाइम से मिलती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।